वेलकम टू विल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, यदि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाइए। स्टूडेंट, आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस का। अभी तक हम 4 रूल्स पढ़ चुके हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के, जो जनरली टेंसेस रिलेटेड थे। आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस के नए रूल्स पढ़ेंगे, जिसमें मेरा रूल नंबर 5th है। ये जो है रिलेटेड है किससे? इंटरगेटिव सेंटेंस से। तो देखिए, इफ एक्टिव वॉइस इज एन इंटरगेटिव सेंटेंस देन पैसिव जो है वॉइस मस्ट बी इंटरगेटिव। यानी कि एक्टिव वॉइस यदि क्वेश्चन में है तो पैसिव भी क्वेश्चन में ही बनेगा। ये उसकी तरह नहीं है जिसमें क्या होता है कि डायरेक्ट स्पीच अगर हम बात करें तो उसमें एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट स्पीच यदि क्वेश्चन में होती है तो इनडायरेक्ट को हम वहाँ पर अफर्मेटिव में बनाते थे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें कि यदि क्वेश्चन है एक्टिव में तो पैसिव भी क्वेश्चन में ही बनेगा। एक अपवाद कह सकते हैं, एक्सेप्शन है, क्या है, बट हु जो होता है यदि आ जाता है क्वेश्चन में तो उसको चेंज करेंगे बाय हुम में, और ये खुद आ जाए बाय हुम तो उसको हु बना देंगे, हु को इनटू बाय हुम को हु में चेंज कर देंगे। और एक दूसरा ऑप्शन भी है, टू हुम भी लिख सकते हैं। देखिए एग्जांपल, हु हैज ब्रॉट दिस पेन, तो हु आ गया तो हमने ऊपर लिखा है, हु से क्या बनेगा, हुम, तो बाय हुम लगा दिया हमने यहाँ पर, बाय हुम। और हैज दिस पेन बीन ब्रॉट, तो हमने दिस पेन को इधर ले लिया है, ये देखिए, और हैज हैव थर्ड आती है तो हैज हैव बीन थर्ड करते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड बीन लगाते हैं, ये थर्ड भी आ चुका है, हैज हैव बीन थर्ड, और दिस पेन आगे लिया है, और ये इंटरगेटिव बनाना है, हु का बाय हुम करेंगे। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, व्हेन डू यू ना टेक योर ब्रेकफास्ट, तो आपको वही रूल यूज करना है। यू क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो योर ब्रेकफास्ट आगे आ जाएगा, बाय यू यहाँ चला जाएगा, और टेक क्या है आपकी फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको क्या करना है, इज एम आर थर्ड लगाना है। लेकिन इज और थर्ड दोनों साथ नहीं आएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन होता है तो हेल्पिंग वर्ब को डब्ल्यू एच वर्ड के बाद लिखते हैं, और थर्ड जो है जहाँ पर वो फर्स्ट वर्ब थी उसी प्लेस पर आ जाएगी। ये देखिए आ गई है टेक की, टेक की हमने कर दी, सॉरी ये रिटेकन कर दिया है टेक का। ऐसे ही आगे देखेंगे आप, देखिए मैंने लिखा है डिड यू ब्रिंग ए गिफ्ट, डिड यू ब्रिंग ए गिफ्ट, तो यहाँ पर डिड सेकेंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म होती है तो हम वाज वर थर्ड करते हैं, तो पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करते हैं, यू सब्जेक्ट है, ये ब्रिंग वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ए गिफ्ट आगे आएगा, बाय यू यहाँ चला जाएगा। अब डिड और ब्रिंग तो सेकंड फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, डिड होता है तो मैंने लिखा है टेबल में, वाज वर थर्ड करेंगे, तो अब वाज और थर्ड एक साथ नहीं आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए वाज को आगे लिखेंगे और थर्ड जो फॉर्म है ये यानी कि ब्रिंग की जो थर्ड ब्रॉट है वो बाद में आएगी, सब्जेक्ट के बाद लिखनी है। ऐसे ही हुम आ गया है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था ऊपर हुम आएगा तो हु करेंगे, तो हुम का हु हो गया है, डिड आ गया है, वाज वर थर्ड आएगी, ये वाज आ गया, ये थर्ड आ गई है, और ये प्राइज ये लिख दिया हमने, और यू का बाई यू कर दिया है। इसी तरह स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का क्वेश्चन बनाना है, एक्टिव अगर क्वेश्चन में हो तो पैसिव भी क्वेश्चन में बनाएंगे। आगे चलते हैं रूल नंबर 6 पर, द इंपेरेटिव सेंटेंस इज चेंज इन टू पैसिव वॉइस। इम्परेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो क्या रूल आपको यूज करना है। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब स्टूडेंट रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस, ऑर्डर वाले सेंटेंस, एडवाइस वाले सेंटेंस, तो आपको रूल यूज करना है लेट और बी के बीच में जो है आपको वॉइस बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट बिटवीन लेट एंड बी, तो लेट और बी के बीच में आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। कैसे लगाना है ये देखिए, ओपन द डोर और या विंडो, मैंने एग्जाम्पल लिखा है ओपन द डोर, तो डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम लेट और बी पहले लिख लेंगे उसके बाद बीच में ऑब्जेक्ट लिख देंगे, तो मैंने ऑब्जेक्ट विंडो ले लिया है, तो लेट द विंडो बी और ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन्ड कर देंगे। तो क्या रूल याद रखेंगे इंपरेटिव में, लेट और बी के बीच में ऑब्जेक्ट को आपको लिखना है। नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट, इफ वी हैव रिक्वेस्ट और एडवाइस इन इंपरेटिव सेंटेंस, मैंने बोला था रिक्वेस्ट एडवाइस और ऑर्डर भी आ जाते हैं, तो रिक्वेस्ट और एडवाइस आती है तो हम क्या करते हैं, वी आर यूजिंग रिक्वेस्टेड है ना, टू या शुड भी यूज करते हैं बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। आप स्टूडेंट सबसे जो आसान जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि यू आर रिक्वेस्टेड, और मैंने ब्रैकेट में लिखा है नोशन, मतलब जैसा भी जो उसमें वो दे रखा है फीलिंग दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ड यहाँ यूज करना है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, इस तरह से आप यू आर ऑर्डर्ड टू, ऐसे आप कोई भी जो है नोशन यूज कर सकते हैं, इनको नोशन बोलते हैं, और फिर आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखिए एग्जांपल, प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, और एक बात ध्यान रखिए स्टूडेंट, इनको आप हटा देंगे जो अगर ये वर्ड आ जाते हैं, प्लीज वर्ड है, काइंडली वर्ड है, इनको आप रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, देखिए प्लीज हट जाएगा, केवल इस पर ध्यान देंगे, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर,
रिक्वेस्ट मान करके प्लीज को हटाना है, और रिक्वेस्ट मान के अब करना है, तो मैंने ऊपर लिखा था यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद एज इट इज इसको आगे ऐड कर देंगे, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ये देखिए बहुत आसान तरीका है ये, ठीक है। अवॉइड बैड कंपनी, तो यहाँ हम सलाह दे रहे हैं किसी को, तो सलाह दे रहे हैं तो एक तो ये तरीका है कि यू आर एडवाइस और टू लगा के आप कॉपी कर दीजिए जो मैंने ऊपर स्ट्रक्चर बताया है, और एक तरीका और है कि आप ये भी लिख सकते हैं जो मैंने बताया दूसरा, शुड बी लगाएंगे बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। तो ऑब्जेक्ट देखो ये रहा, ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है, इसके दोनों के बीच में शुड भी लगा सकते हैं। वैसे इजी तरीका ये नीचे वाला है, जैसी फीलिंग हो वो लिखो और टू के बाद कॉपी कर दो। आगे चलते हैं, अगला देखेंगे। इन इंपरेटिव सेंटेंस जो स्टार्ट होते हैं किससे, लेट से। इंपरेटिव सेंटेंस यदि लेट से स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं आफ्टर लेट, अदरवाइज यूज स्ट्रक्चर ऑफ रूल बी, वरना जो मैंने आपको रूल बी बताया है आपको ये वाली स्ट्रक्चर आपको यूज करनी है, जिसकी जो स्ट्रक्चर थी वो यूज करनी है। तो देखिए मैं आपको लेट्स वाले बता रहा हूँ, यहाँ पर यदि लेट से स्टार्ट होता है, देखो लेट हिम प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने दो। अक्सर ये डेली लाइफ में आप सेंटेंस बोलते हैं स्टूडेंट, सोने दो उसे, पढ़ने दो, खेलने दो, तो लेट हिम प्ले क्रिकेट, इसका अगर पैसिव में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, तो हमने आपको ये स्ट्रक्चर बताई है, लेट और बी के बीच में ऑब्जेक्ट ले आएंगे, जैसे हमने ऊपर बताया था ओपन द डोर में, तो लेट द क्रिकेट बी प्लेड और बाई हिम, एज इट इज रहेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कहाँ लगाना है आपको, जो है स्टूडेंट ध्यान रखें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेट और बी के बीच में लिखना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेट हिम गो, अब ये तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ये तो बाद में आएगा। तो यू आर रिक्वेस्टेड, यदि आप ये यूज करना चाहें बी वाला स्ट्रक्चर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो, टू लगा के एज इट इज कॉपी कर दो। तो ये आसान स्ट्रक्चर है, इसी को आप यूज करें, हर जगह बेस्ट रहता है, वरना आप ये भी यूज कर सकते हैं। अगला है रूल नंबर 7, इफ यू हैव अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दे रखा हो देन वी चेंज द प्रिंसिपल सेंटेंस, प्रिंसिपल सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं और जो सबॉर्डिनेट सेंटेंस होता है उसको चेंज नहीं करते हैं। देखिए पीपल से दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो प्रिंसिपल पार्ट है पीपल से, तो इसको आप चेंज करेंगे और बाय यूजिंग इट को यूज करेंगे, इट को जो है सब्जेक्ट बना देंगे। तो देखिए मैंने इट बना दिया यहाँ पर सब्जेक्ट, पीपल को हटा दिया है, इट इज सैड दैट, और बाकी कॉपी करना है स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ। रूल नंबर 8 है स्टूडेंट, सम वर्ब्स टेक फिक्स प्रपोजिशन आफ्टर देम इन प्लेस ऑफ बाई, ये ध्यान रखिए कि हमेशा ये पक्का नहीं है कि पैसिव वॉइस में हमेशा बाई आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, काफी जो एक्सेप्शन होते हैं इंग्लिश में, अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन मतलब अपवाद। तो ये कुछ वर्ब हैं जो अपने साथ प्रपोजिशन लेती हैं और बाई नहीं लेती हैं। डिसअपॉइंटेड पहली वर्ब है, निराश जिसे कहते हैं, डिसअपीयर है गायब होना, डिस्ट्रेस मुसीबत आना, सरप्राइज एस्टोनिश और अलार्म्ड सचेत होना, ये सब अपने साथ एट लेती हैं। एग्जाम्पल है देखिए, ही डिसअपॉइंटेड मी, उसने मुझे निराश कर दिया, तो इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो बाय नहीं लगेगा, बाय हिम नहीं आएगा, आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट हिम, मैं उसकी वजह से निराश हो गया। अगला है जो देखिए, ये नॉन आ जाता है, ओब्लाइज आ जाता है, तो ये अपने साथ टू लेती हैं ये वर्ब। तो देखिए ये है अपने पास एक्टिव वॉइस, आई नो हिम, तो ही इज नोन टू मी लिखना है आपको, ऐसे नहीं बोलना है कि ही इज नोन बाई मी, रॉन्ग हो जाएगा, ही इज नोन टू मी, ये ध्यान रखें पैसिव वॉइस। तो कुछ वर्ब है उनके बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आते हैं वो आपको लर्न ही करने, याद रख लें। कंटेन इंटरेस्टेड है, ये वर्ब अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन इन लेती है, बाई नहीं आएगा दोबारा से। एग्जाम्पल देखिए, इंग्लिश इंटरेस्ट मी, इंटरेस्ट स्टूडेंट यह मतलब है मेरा, अट्रैक्ट मी, इंग्लिश अट्रैक्ट मी, इंग्लिश मुझे अट्रैक्ट करती है ए लॉट, बहुत ज्यादा, तो आई एम इंटरेस्टेड इन इंग्लिश ए लॉट, तो देखिए इन आ गया, यहाँ पर बाई नहीं आया। नेक्स्ट है डिसगस्टेड है, थ्रोंगड मतलब कलेक्ट होना, थ्रोंगड है ये, लाइंड है, जैसे आपने ये लाइंड वर्ड है, और टेक्स ये अपने साथ विद लेते हैं, जैसे द स्टूडेंट थ्रोंगड द कॉलेज हॉल, स्टूडेंट जो कॉलेज हॉल में इकट्ठे हो गए, अब पैसिव वॉइस बनाना है, तो कॉलेज हॉल वाज थ्रोंगड, कॉलेज हॉल भर गया किससे, स्टूडेंट से, एक सेम मीनिंग है, बाई नहीं यूज किया हमने, विद यूज किया है। रूल नंबर 9 है स्टूडेंट, देखेंगे आप यहाँ पर, ये रूल नंबर 9 क्या है, सम वर्ब टेक ऑब्जेक्ट बट दे आर नॉट चेंज इनटू पैसिव वॉइस, कुछ वर्ब ऑब्जेक्ट लेती हैं लेकिन वो पैसिव वॉइस उनका बनता ही नहीं, नियम तो ये कहता है कि यदि ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस बनना चाहिए, लेकिन अगेन ये भी एक अपवाद है,
कुछ वर्ब हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट रखती हैं लेकिन पैसिव वाइज पॉसिबल नहीं है। ये वर्ब कौन सी हैं? हैज, हैव, हैड, जिनका अर्थ रखना होता है। देखो, कंटेन रखना, है होल्ड रखना, कंसिस्ट ऑफ रखना, ओन रखना, सबका अर्थ रखना। जैसे आई हैव ए कार, आई ओन से कार, आई पजे से कार, तो ये सबका अर्थ रखना है। ऐसे टेक्निक से याद कर लें आप, सूट्स हैं फिट होना, सूट्स होना भी इनका अर्थ एक जैसा है। लेग्स है रिजेंबल, मतलब समान होना सकल सूरत में। तो इन वर्ब्स के साथ ध्यान रखें कि पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जैसे सी रिजेंबल्स हर मदर, वे अपनी मदर से शक्ल में मैच करती है। तो यहाँ पर अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो रोंग कहलाएगा, ऐसे वर्ब्स के पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। एक्टिव वॉइस, जैसे दोबारा देखिए, ही सूट्स दिस जॉब, वह जॉब के लिए सुटेबल है, इसका भी पैसिव पॉसिबल नहीं है क्योंकि सूट्स आ गया है। स्टूडेंट, आगे जो रूल है उसी का ही एक पार्ट, बी पार्ट और है। सम वर्ब टेक रिफ्लेक्सिव या रेसिप्रोकल प्रोनाउन, कुछ वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव रेसिप्रोकल प्रोनाउन आते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन दे आर नॉट चेंज इनटू पैसिव, इनका भी पैसिव नहीं बनता है। देखिए, सी सो हरसेल, उसने अपने आप को मिरर में देखा, तो यहाँ सो वर्ब है और हरसेल ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो पैसिव बनना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें रिफ्लेक्सिव रेसिप्रोकल आ जाए ऑब्जेक्ट तो पैसिव नहीं बनेगा। लास्ट है रूल नंबर 10, ये आपका एक्टिव पैसिव का लास्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट, इसमें जो है हम बोलते हैं इसको कोसी पैसिव बोलते हैं। कोसी पैसिव में रूल क्या होता है, यदि कोई वर्ब जो है दे रखी है तो वो वर्ब जो है कोसी पैसिव में कहलाती है। यदि इट लुक्स, यदि वो वर्ब पैसिव जैसी लगती है लेकिन एक्चुअली ये एक्टिव में होती है। वो एग्जांपल देखें तो देखिए, फ्लावर लुक्स ब्यूटीफुल, ये जो लगता तो ऐसा है कि पैसिव में है वर्ब, लेकिन ये है क्या, एक्टिव वॉइस में है वर्ब, तो इसका पैसिव बनेगा। तो फ्लावर लुक्स वर्ब, ऐसी वर्ब को हम कोसिव जो है वर्ब कहते हैं, और सेंटेंस को कोसिव पैसिव कह देते हैं जो बनेगा अभी पास। तो देखिए, इसका जब आप बनाएंगे पैसिव, तो इसका स्ट्रक्चर आप ये ध्यान रखें, ये स्ट्रक्चर रहेगा, आपको इज और वर्ब थर्ड लगानी है और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लगाना है जो दे रखा होता है। देखिए, कॉम्प्लीमेंट है ब्यूटीफुल, फ्लावर लुक्स ब्यूटीफुल, सी लुक्स हैप्पी, तो हैप्पी कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो कंप्लीट करता हो सेंटेंस को लास्ट में आता है, तो वो एज इट इज रहेगा और सब्जेक्ट भी वहीं रहेगा। तो क्या करना है आपको, जो फर्स्ट फॉर्म दे रखी है उसको इज एम आर वर्ब थर्ड करना है, सिंपल। ये हम पहले बता भी चुके हैं आपको टेबल में। तो देखिए, फ्लावर इज लुक्ड ब्यूटीफुल, लेकिन क्या होता है कि इंग्लिश में अपवाद भी होते हैं, तो इसका जो पैसिव इस तरह से बनता है, ये थोड़ा लेंदी है, ज़्यादा इजी ये वाला है। देखिए, ये भी एक मीनिंगफुल है, सही है, फ्लावर इज ब्यूटीफुल। देखिए, सुनिए स्टूडेंट ध्यान से, फ्लावर लुक्स ब्यूटीफुल, फ्लावर ब्यूटीफुल दिखता है। अगर हम ऐसे बोलें, फ्लावर जो है सुंदर है कब, जब उसको देखा जाए, व्हेन इट इज लुक्ड, मीनिंग सेम आ रहा है दोनों का, लेकिन इजी स्ट्रक्चर ये है। इसमें क्या करते हैं आप, इज एम आर के साथ कॉम्प्लीमेंट, जो इज के साथ, सॉरी, इज के साथ कॉम्प्लीमेंट लगाना है, फिर उसके बाद व्हेन इट इज लगा करके वर्ब थर्ड लिखना है। तो स्ट्रक्चर ये इजी है, इसी स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ यूज किया है, इसी स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ यूज किया है, ये स्ट्रक्चर इजी है। देखिए, द शॉप इज बिल्डिंग, ठीक है, मगर दुकान जो है बन रही है, अब ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी इसका पैसिव बनेगा। द शॉप इज बींग बिल्ट, दुकान बनाई जा रही है। और भी एग्जाम्पल स्टूडेंट, वाटर इज बॉइलिंग, तो वाटर इज बींग बॉइल्ड, पानी को उबाला जा रहा है। तो कुछ अपवाद होते हैं इंग्लिश में, तो ये कोसी पैसिव इसी तरह के सेंटेंस है। दिस सिरप टेस्ट बिटर, ये सिरप जो है बिटर लगती है, बिटर क्या, एडजेक्टिव, जैसे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव था, तो दिस सिरप इज टेस्टेड बिटर, वही है, फर्स्ट फॉर्म आ गई, जो हम थर्ड लगाएंगे वो एज इट इज रहेंगे वहीं पर। तो इनमें क्या होता है कि हम इंटरचेंज नहीं कर सकते, आप ये कह सकते हो, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो पैसिव लगती हैं लेकिन एक्चुअल में एक्टिव में होती है, तो उनमें हम इंटरचेंज नहीं करते इनको, ठीक है, वहीं रहते हैं ये, बस बीच के वर्ब को टेबल के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, फर्स्ट हो तो इज एम आर, थर्ड कर देते हैं। ये मैंने दूसरे स्ट्रक्चर से लिखा है। दूसरे स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम व्हेन इट इज यूज करते हैं। देखिए व्हेन इट इज, ये देखिए व्हेन इट इज, तो दूसरे स्ट्रक्चर में क्या करना है आपको, व्हेन इट इज यूज करना है। ये देखिए मैंने लिख रखा है व्हेन इट इज, तो सिरप इज बिटर When it is tested, जब सिरप को सिरप जो है कड़वी लगती है जब इसको टेस्ट करते हैं, और यहाँ भी वही मीनिंग आ रहा है, सिरप इज टेस्टेड बिटर, सिरप जो है टेस्ट में कड़वी है, मीनिंग सेम है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, फिर भी आपको कोई क्वेरीज रहती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट्स करिए, मैं ट्राई करूँगा उसको सोल्व करने की। एंड आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू। ये टॉपिक आपका ओवर हो चुका है।